नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा बिल्कुल ही की जाती है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा करने का महत्व बताया जाता है। शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी को समर्पित है और माता लक्ष्मी के साथ साथ जो सुख देने वाला जो ग्रह है इनको भी समर्पित है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10 से 11 ऐसे उपाय बताऊंगा, अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन 10 11 में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो हम स्टाम्प पेपर पर लिख के गारंटी दे सकते हैं, उनके सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है, नौकरी चाहिए नौकरी मिलेंगे, घर में धन दौलत नहीं धन दौलत की प्राप्ति होगी। छोटी सी जानकारी है, वीडियो बहुत ही छोटी बनने वाली है। पहला मित्रों, हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने में अगर कोई भी व्यक्ति 11 दिनों तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, ध्यान दीजिए केवल 11 दिनों तक घी का अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो उनके सभी प्रकार की मुरादें पूर्ण होती, धन की कमी बिल्कुल उस घर में नहीं होती। दूसरा उपाय, अगर कोई भी व्यक्ति हर शुक्रवार को दक्षिणावर्त शंख में जल भर करके अगर घर में उनका छींटा मारते हैं तो उस घर में कभी भी अन्नधन की कभी भी कमी नहीं होती, अन्नधन की हमेशा बढ़ोतरी होती है। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग के मिष्ठान बहुत प्रिय है, इसलिए प्रत्येक शुक्रवार को उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए, इससे धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसके साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को लाल बिंदी सिंदूर लाल चुनरी और लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति अर्पित करता है तो धन संबंधी सभी परेशानी से निजात मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी माँ जो है धन की देवी कही जाती हैं। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जा करके अगर लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में धन संबंधी जो रुकावट आ रही है वह दूर होते हैं। अगर हो सके तो किसी भी शुक्रवार के दिन कमलगढ़ के माँ लक्ष्मी को अवश्य भेंट करें, इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार के दिन शाम के समय श्री सूक्त का पाठ करने से कभी भी घर में अन्नधन की कमी नहीं होती, उस घर में साक्षात कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शुक्रवार के दिन घर में नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाना चाहिए, इससे घर में खुशहाली और धन आगमन होता है। तो ये थे शुक्रवार के दिन किए जाने वाले साधारण उपाय, लेकिन इनका प्रभाव अभी अति तीक्ष्ण है। तो ये थे छोटी सी जानकारी, धन्यवाद, नमस्कार।